हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर फ्रांस और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक इन्वेस्टर का क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है। तो आइए गाइस, हम उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं ऑडियंस को, तो उसी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलने वाले। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी दबा के बैठे हुए हैं और उसी माल पर लोग ऐश कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को बाकायदगी से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जब तक ये अरेस्ट नहीं होते नवेरा हार मानने वाली नहीं। ठीक है भाई, तो मैंने ये बातें की थी। तो इस वक्त क्या भाई, मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ, ग्रुप में नहीं हूँ और वीडियोस बनाने के लिए भी मुझे बहुत मुश्किल से मौका देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती तो बीवी और मैं अकेले हैं, तो मना करती है कि भाई तुम वीडियो बनाओगे फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं कहाँ ले जाऊँ तुमको, मत बोलो। तो गार्डन में आया हूँ भाई, यहीं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि देखो भाई, पहले भी इसने बोला कि मैंने 8,000 लोगों को पैसा दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने। फिर उसमें वो जो राजू साहब थे, राजू सर, मजिस्ट्रेट ने उनको बोला कि इसकी इंक्वायरी करो, और उन्होंने फिर नरसिम्हा साहब को दे दिया SFIO में कि भाई इसकी इंक्वायरी करो, और नरसिम्हा साहब ने फिर उनको बताया कि भाई इस तरह से इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने जब पूछा नरसिम्हा साहब ने कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो बोले नवेरा बीमार है। फिर मजिस्ट्रेट के पास वो मामला गया, मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई नवेरा बीमार है लेकिन उसका स्टाफ तो है, उसके स्टाफ है और उसकी लीगल टीम है, वो लोग जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग भाई थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ये शहबाज वाली बात जो थी ना, ये मैंने सिर्फ आपको याद दहानी करवाया कि इतना बड़ा इशू था ये, क्या ये तो ऐसा लग रहा था कि शहबाज को फांसी हो जाएगी, और फिर अचानक लोग एक हो गए। ये बात मैंने ऐसे ही जनरली आपको बताया। इसके बाद मैं आपको मौली और थॉमस का भी बताने वाला था, फिर मुझे लगा कि आपसे मैं सिर्फ वही बातें करूं जिससे आपके पैसे का कंसर्न है, तो वो फजूल बातें मैं अभी दोबारा आपको नहीं बताऊंगा जिससे आपके पैसे का कोई कंसर्न नहीं। ठीक है भाई, तो ये बात मेरी मैं मुकम्मल करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेटर दीजिए, ट्वीट कीजिए और जो भी जरिया है, और उनसे कहिए कि भाई नवहेरा को उन 8,000 लोगों की जो पेमेंट उसने दी है उसका डिक्लेरेशन देने के लिए ऑर्डर दीजिए, और ये जो मसला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो इनको फौरन से पेशतर अरेस्ट कर लीजिए। ये बातें बोलिए भाई, ठीक है, और सबके नाम लेके बताइए, नाम याद नहीं आते हैं तो उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, इसके खानदानी का नाम आपको बता देंगे। ठीक है, इसकी माँ से लेके, इसके भाई से लेके, इसके बच्चों से लेके, इसकी बहनों से लेके, इसके बहनों से लेके, सबके नाम आपको बता देंगे भाई। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। 3 मिनट हो गया भाई, आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह आपके पैसे मिलने में आसानी हो जाएगी।